हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आविद शेख। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एसी का कंप्रेसर ट्रिपिंग प्रॉब्लम के बारे में। हमारा कंप्रेसर क्यों चलते चलते ट्रिप कर जाता है, क्यों बंद हो जाता है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप एक टेक्नीशियन है तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत बार देखने को मिला होगा कि हमारा एसी क्या होता है कि वो 5-10 मिनट ठीक चलता है दोस्तों, उसके बाद उसका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है और हमारे रूम में प्रॉपरली कूलिंग भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम के टॉप 10 रीजंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप ट्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया विजिट किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसके वोल्टेज को चेक करें, हमारे एसी में कितना वोल्टेज जा रहा है। अगर हमारा वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होगा या बहुत ज्यादा लो होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हमारा वोल्टेज क्या होता है कि 200 से 240 के बीच में हमारा वोल्टेज होना चाहिए, तभी हमारा एसी अच्छे से रन कर सकता है। तो इसके बाद हम अपने आउटडोर की तरफ आ जाएंगे। हमारा आउटडोर जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे उसका हीट निकलने का जगह है या नहीं है, वहाँ उसका आगे में किसी चीज से कवर तो नहीं, कि दीवार वगैरह तो नहीं। अगर हमारा उसी आगे में किसी चीज से कवर होगा तो उसका हीट प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके वजह से हमारा कंडेंसर और कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट होगा और उसका कंप्रेसर जो है हीट होकर ट्रिप कर जाएगा। तो अगर हमारा आउटडोर सही जगह पे लगा हुआ है, उसका हीट निकलने का वहाँ पे जगह है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम इसके कंडेंसर को देखेंगे, वो हमारा बहुत ज्यादा गंदा तो नहीं, बहुत ज्यादा ब्लॉक तो नहीं। अगर हमारा कंडेंसर बहुत ज्यादा गंदा होगा तो इसके वजह से भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप करेगा, ओवर हीट होके। तो अगर हमारा कंडेंसर बहुत ज्यादा गंदा है तो इसको अच्छे तरीके से सर्विस करें तो हमारा ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमारा कंडेंसर क्लीन है, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके अगले स्टेप में चलेंगे इसमें। तो इसके बाद हम अपने आउटडोर के फैन स्पीड को चेक करेंगे। अगर हमारा फैन स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होगा तो भी हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप करेगा। तो अगर हमारा आउटडोर का फैन स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है तो आप इसके कैपेसिटर चेंज करें, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जो भी हमने 3-4 रीजन बताया दोस्तों, तो ये सब आपको ऊपर से ही देख के पता चल जाएगा कि इन सब में आपको प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर इन सब में प्रॉब्लम नहीं है तो इसके अगले स्टेप में चलेंगे। तो जब हमारा कंप्रेसर ट्रिप करता है तो इंडोर से जो हमारा वायर आया है उसमें आप पावर चेक करें कि हमारा पावर अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पावर नहीं आ रहा है तो हमारा इंडोर से प्रॉब्लम होगा, अगर हमारा पावर आ रहा है तो फिर आउटडोर में ही प्रॉब्लम है। तो इसके कंप्रेसर को प्रॉपरली चेक करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि इसका कंप्रेसर भी बहुत ज्यादा पुराना हो जाने पर हमारा इस तरह का प्रॉब्लम करता है। तो अगर हमारा कंप्रेसर सही है दोस्तों, तो इसके कैपेसिटर को चेक करेंगे। हमारा कैपेसिटर भी बहुत बार वीक हो जाने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो इसका कैपेसिटर को चेंज करके देखेंगे। तो कैपेसिटर भी चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इसके अगले स्टेप में चलेंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम अपने आउटडोर में गेज मीटर लगा के इसमें गैस चेक करेंगे, हमारा गैस ओवर तो नहीं। अगर हमारा गैस ओवर होगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, और कम होता है तो भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाता है। तो अगर इसमें गैस वगैरह भी ठीक है तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपने एसी का सक्शन और डिस्चार्ज पाइप को चेक करेंगे। अगर हमारा पाइप कहीं से बहुत ज़्यादा बेंड होगा, फिंच होगा, तो हमारा एसी का गैस क्या होता है कि हमारा पूरी तरीके से अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, वो साइकिलिंग जो होता है उसका गड़बड़ा जाता है और हमारा इसका पूरा जोर हमारे कंप्रेसर पर पड़ता है और हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाता है। तो अगर ये सब ठीक है तो इसके अगले स्टेप में चलते हैं। तो आउटडोर का कैपिलरी चौक होने से भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप इसको प्रॉपरली चेक कीजिए। अगर हमारा कैपिलरी चौक है तो इसके फिल्टर और कैपिलरी सही दोनों को चेंज कर दें, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमारा आउटडोर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा इंडोर में प्रॉब्लम होगा। इंडोर में भी 2-3 कारण है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाता है। तो सबसे पहला कारण हमारा सेंसर। अगर कॉइल सेंसर और टेम्परेचर सेंसर दोनों को अच्छे से चेक करेंगे, अगर हमारा ये सेंसर कहीं से कटा हुआ या खराब है तो भी हमारा इस तरह का प्रॉब्लम आता है, वो टाइमिंग से पहले ही हमारा आउटडोर को ट्रिप करा देता है। अगर हमारा सेंसर भी सही है दोस्तों, तो इसके बाद अपने रिले को चेक करें। हमारा रिले कई बार क्या होता है कि वो टाइमिंग से पहले कंप्रेसर को बंद करा देता है, तो रिले को भी अच्छे तरीके से चेक करें। अगर ये खराब है तो इसको आप चेंज करें। तो कंप्रेसर किन किन रीजन से ट्रिप करता है दोस्तों, तो इसके सभी रीजन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।